सवाल, क्योंकि पूछोगे तभी तो पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि किल्ली कुमार परिवार ने आपसे वादा किया था कि हम आप सभी के लिए एक इस कड़ी में काम कर रहे हैं कि आप सभी के जो सवाल हैं उनके जवाब हम प्रत्येक व्यक्ति को दे सकें, इसी कड़ी में दोस्तों आप सभी के लिए पूछो सवाल शुरू किया गया है, जिसके अंदर आप अपना कोई भी एक एजेंडा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के सवाल बहुत सारे होते हैं परंतु उनमें से किसी एक विशेष मुद्दे पर आप हमारी टीम के साथ जुड़कर सवाल कर सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे किल्ली कुमार के साथ, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आधे अधूरे सवाल होना मुख्य कारण है आपके सवालों का जवाब ना पाने का। आप अक्सर अपने सवाल पूछते हैं परंतु उसके अंदर आपकी पूरी जानकारी नहीं दी होती और आपका सवाल पूरा नहीं होता, जिस वजह से हमें यह समझ में नहीं आ पाता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है। इसीलिए पूछो सवाल की शुरुआत की गई है। दोस्तों, पूछो सवाल के अंदर आप किल्ली कुमार की एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, जिसके अंदर किल्ली कुमार की टीम से जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए मेल आईडी पर या फिर नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात रखना, जो आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। आप उन सवालों में से किसी भी एक पर्टिकुलर एजेंडा को सेलेक्ट कर सकते हैं। किल्ली कुमार की टीम उसके लिए एक ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करेगी, जिसमें आप और आपके साथी, आपकी टीम ऐड हो सकती है और किल्ली कुमार परिवार के किल्ली कुमार के एक्सपर्ट्स उसमें ऐड होंगे, जिसके अंदर आप जब अपना जिस पर्टिकुलर बात के लिए आपने जो अपना सवाल पूछा है उससे संबंधित आपके जवाब दिए जाएंगे। मीटिंग के बाद दोस्तों आपको माइनट्स ऑफ मीटिंग भी दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको यह पता रहेगा कि आपकी टीम से कौन मौजूद थे, किल्ली कुमार की टीम से कौन मौजूद था और आपकी पर्टिकुलर जो क्वेरी थी उसके लिए क्या समाधान बताया गया है। फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे हमें यह पता चल पाए कि आप हमारे जो जवाब है उससे कितने संतुष्ट हुए हैं, कैसा हो सवाल। दोस्तों, आप जो सवाल किल्ली कुमार की टीम के साथ पूछना चाहते हैं वो आप पर्टिकुलर किसी स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं, कोई आपकी टेक्निकल क्वेरी हो सकती है, उसका उचित समाधान करने के लिए किल्ली कुमार के एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। आप पर्टिकुलर किसी स्कीम के बारे में यदि जानना चाहते हैं, यदि कोई टेंडर आया है उसके अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि आप उसको अप्लाई कैसे करें, आप अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे मैच करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उस टेंडर के अकॉर्डिंग कैसे डालें, आप उस टेंडर के अंदर एलिजिबल हैं या नहीं ये कैसे मैच करें, ये सारे सवाल आप किल्ली कुमार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि आपके सवाल हमें निरंतर कमेंट सेक्शन के अंदर प्राप्त होते रहते हैं, कई बार आप हमारे व्हाट्सएप पर भी कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करते हैं और आपसे नॉर्मल टेलीफोनिक डिस्कशन भी होती रहती है। आपके कुछ जो मुख्य सवाल होते हैं वो हमने नोट डाउन किए हैं, यदि आपके भी उस तरह के कुछ सवाल हैं तो आप हमारे साथ उस पर्टिकुलर सवाल के लिए एजेंडा फिक्स करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप सभी के लिए हम भविष्य में इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाने का भी प्रयास करेंगे। क्या क्या होते हैं आपके सवाल, आइए देखते हैं। तो स्किल इकोसिस्टम में हर व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन वो यह सोचता है कि महज स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर SID पर रजिस्टर करने से उसे टारगेट मिल जाएगा। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल महज एक पोर्टल है जहां पर कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद उसमें अपनी फीस सबमिट करने के बाद आपको पर्टिकुलर स्कीम में कैसे काम करना है ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आपके जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो हर वर्ष टेंडर निकालती रहती है, परंतु उस टेंडर को किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे आप उसके अंदर एलिजिबल होंगे, ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पार्टनर कैसे बने, चाहे वो फंडिंग हो या नॉन फंडिंग हो, दोनों ही प्रकार का पार्टनर कैसे बने, ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। दोस्तों, इस तरह के आपके जो सवाल हैं उन्हीं में से आप किसी पर्टिकुलर सवाल को सिलेक्ट करके अपना एजेंडा फिक्स करके किल्ली कुमार के एक्सपर्ट के साथ जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी आपको उस विषय के बारे में पता चलेगा। ट्रेनर और असेसर, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो स्किल इकोसिस्टम के अभिन्न अंग हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि यदि वो ट्रेनर बनना चाहता है तो ट्रेनर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए,
कितनी उसकी फीस लगेगी, क्या उसको सैलरी मिलेगी और किस प्रकार से वो एक टीओटी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों असेसर भी ये जानना चाहता है कि वो किस असेसमेंट एजेंसी के साथ जुड़े, किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अपनी जो है असेसमेंट करवाए। ये सभी सवाल आप स्किल इकोमार्ट के एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्किल इकोसिस्टम के अंदर होती है, परंतु ज्ञान के अभाव के कारण वो इन अपॉर्चुनिटी से चूक जाती है। आरटीडी मॉडल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों। डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को भी एनएसडीसी अपने साथ एम्पैनल करती है। यदि आप भी एक इंडस्ट्री हैं और आप डायरेक्ट एनएसडीसी के साथ एम्पैनल होना चाहते हैं, तो आप स्किल इकोमार्ट के एक्सपर्ट के साथ जुड़कर पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप एनएसडीसी के पार्टनर बन सकते हैं। करते हैं दोस्तों कुछ स्कीम्स की, कुछ स्टेट्स की डेवलपमेंट मिशन के, जो हर वर्ष टेंडर निकालते हैं परंतु आप टेंडर को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से पीछे रह जाते हैं। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश का वो टेंडर है दोस्तों, जिसको हर व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है और इसके अंदर टारगेट हासिल करना चाहता है, परंतु ज्ञान के अभाव के कारण वो इसके अंदर अप्लाई कर नहीं पाता। यदि अप्लाई करता है तो एलिजिबिलिटी मैच ना हो पाने के कारण उसका टेंडर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। परंतु आप स्किल इकोमार्ट के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ करके अपने सवाल को पूछ करके उस टेंडर के अंदर आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ जान सकते हैं दोस्तों। नई रोशनी, पीएम गोवा, MSSDS, ये सभी स्टेट्स की डेवलपमेंट मिशन और स्कीम्स दोस्तों आम सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं जो स्किल इकोसिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं। अंबर, स्वदेश, GSS, संकल्प, RPL, ये इस प्रकार की स्कीम है दोस्तों, जिसके अंदर एक एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर और न्यू ट्रेनिंग पार्टनर दोनों स्किल इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, जिस पर स्किल इकोसिस्टम का अधिकतर काम संभाला जाता है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के बारे में ज्यादा डिटेल से बताएंगे मीनाक्षी जी। दोस्तों आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लग ही चुका है, पूछो सवाल। आज तक स्किल इकोमार्ट पर हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंट्स की, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज देखी हैं, जो उनकी क्वेरीज रहती हैं। अभी अभी दीपक जी ने बहुत सारी क्वेरीज के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि बहुत सारे जो स्किल इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं या काम करने के लिए इच्छुक हैं, जो स्किल इकोसिस्टम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने, असेसर कैसे बने, ट्रेनर कैसे बने, और बहुत सारी स्कीम जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिन प्रतिदिन ढेरों स्कीम्स निकलती रहती हैं। लेकिन एक सही गाइडेंस और नॉलेज के बगैर वो लोग इस स्किल इकोसिस्टम के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिन क्वेरीज के बारे में अभी अभी दीपक जी ने बताया था कि ये क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, वो हमें थ्रू ईमेल हमें रिसीव हो रही है, क्लाइंट्स की क्वेरी व्हाट्सएप से रिसीव हो रही है, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हमारे क्लाइंट्स के साथ डेली होती रहती है, तो ऐसी क्वेरीज वो डेली फेस करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली आज अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। ये स्किल इकोसिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट पोर्टल रहता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये नहीं पता कि हमने इसके अंदर जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो कैसे बनाना है, और अगर आपको ये पता है कि इसके अंदर ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बनाना है, तो फिर इसके अंदर कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है, कोई सोसाइटी, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए, वो आप हम लोगों से जान सकते हैं। थर्ड, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अटैच कर दिए, TP ID क्रिएट कर दी, लेकिन पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट का इशू आप फेस कर रहे हैं, जो इसके अंदर ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए 10,000 की गवर्नमेंट फीस कटती है वो आप नहीं कटवा पा रहे हैं,
इसके रिगार्डिंग आप इशू फेस कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट भी कटवा दी तो मेन मुद्दा ये आ जाता है कि आपका डीम्ड नॉट रेडी आ रहा है, तो डीम्ड रेडी ना आने का कारण क्या है उसके बारे में आप स्किल इकोमार्ट की एक्सपर्ट टीम से जान सकते हैं। जैसा कि दीपक ने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि स्किल इकोमार्ट की टीम से जुड़ने के लिए आपको अपना किसी ईमेल के माध्यम से, जो हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसके माध्यम से, या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना एजेंडा डाल सकते हैं। दीपक जी ने बताया था कि उस एजेंडे को हम लोग सेट करके एक मीटिंग फिक्स करेंगे दोस्तों। उसके बाद टीपी के अंदर आपने बहुत सारे इश्यूज फेस किए, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर, लेकिन आपको नहीं पता कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए आपको उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होंगे। ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करने के लिए जो 3000 की पेमेंट होती है वो कैसे करनी है, आपने ट्रेनिंग सेंटर रेजिडेंशियल बनाना है या नॉन रेजिडेंशियल बनाना है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या दोस्तों एक मेन मुद्दा इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपको काफ सबमिशन के अंदर किस प्रोसीजर को फॉलो करना है यही नहीं पता। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहता है ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करते टाइम, जिसकी वजह से हमारा डीम्ड नॉट रेडी आने के 19% चांसेस रहते हैं काफ का सही से सबमिट ना होना। अगर मान लो हमने काफ सबमिट कर भी दिया दोस्तों, तो हमें ये नहीं पता कि जो फोटोज हैं वो कैसे अपलोड करवानी है, किस जो एप्लीकेशन है किस एप्लीकेशन के माध्यम से इसके ऊपर फोटोज अपलोड होंगी, कैसे फीस कटेगी, कैसे सबमिट होगा और कैसे हमारा LOR जनरेट होगा, इन सब क्वेरीज के लिए आप स्किल इकोमार्ट की एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़े। उसके बाद आपने एग्रीगेटेड सेंटर बनाना है, स्मार्ट एग्रीगेटेड सेंटर कैसे बनाएं स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर। अब दोस्तों आप किसी भी स्कीम के अंदर और किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं तो आपसे आपको बोला जाता है कि आपका जो सेंटर है वो स्मार्ट एग्रीगेटेड होना चाहिए। अब वो सेंटर स्मार्ट एग्रीगेटेड कैसे होगा ये आप जाने स्किल इकोमार्ट की एक्सपर्ट टीम से। और भी बहुत सारी क्वेरीज जो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से जुड़ी होती हैं दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर हमने स्कीम कैसे ऐड करनी है, कोई भी स्कीम हमने ऐड करनी है तो वो स्कीम कैसे ऐड होगी, कोई भी नया बैच हमने एनरोल करना है SID पे वो कैसे एनरोल होगा, कोई असेसमेंट हमने करानी है SID की तो वो कैसे होएगी, हमने सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं SID से तो वो कैसे जनरेट होंगे, इन सारी क्वेरीज के लिए स्किल इकोमार्ट की एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़े। और फिर से दीपक जी ने पूरी प्रोसेस स्किल इकोमार्ट की एक्सपर्ट टीम के साथ कैसे जुड़े, कैसे अपना एजेंडा फिक्स करें इसके बारे में ऑलरेडी बताया है। पूरे वीडियो ध्यान से देखें, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या हमारी ईमेल पर, या दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। ऐसे ही जुड़े रहें स्किल इकोमार्ट टीम के साथ। धन्यवाद।